नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बी एम जॉब अलर्ट। मैं हूं विप्लव। आज हम बात करने वाले हैं ओडिशा में निकले हुए ह्यूज अमाउंट में कॉन्स्टेबल पोस्ट है, जो कि ओडिशा पुलिस की तरफ से निकला हुआ है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, जिसके थ्रू से मैं शॉर्टली आपको नोटिफिकेशन के बारे में और पोस्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडिशा पुलिस की तरफ से 4790 कॉन्स्टेबल पोस्ट निकला हुआ है, और वो भी रेगुलर पोस्ट। ह्यूज अमाउंट में वैकेंसी है दोस्तों ओडिशा के अंदर, जो कि बहुत दिनों बाद निकला हुआ है। 2017 को ये निकला था और अभी निकला है, मतलब 17, 18, 19, 20, 21, 22 छः साल के बाद ये पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों। ह्यूज अमाउंट में है, प्लस टू पास जो लोग हैं उनके लिए है। तो चलिए लेट ना करते हुए डायरेक्ट नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट सिलेक्शन बोर्ड ओडिशा पुलिस कटक, जो कि ऑल ओडिशा में पुलिस का रिक्रूटमेंट करता है, बहुत सालों से करता हुआ है और अभी भी करता है SSB के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। जो कि 30/12/2022 को ये नोटिफिकेशन निकला है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30/12/2022 सुबह 9 बजे से स्टार्ट होके लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/1/2023 को ख़त्म हो जाएगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड है। तो हम अभी देखेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट क्या निकला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डिटेल्स कैटेगरी वाइज ब्रेकअप वैकेंसीज 4790 पोस्ट कॉन्स्टेबल सिविल इन 35 डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट पे वैकेंसी निकला हुआ है, जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। अनुगुल में 167 पोस्ट है, बालेश्वर में 160 है, बड़गढ़ में 86 है, बहरमपुर में 187 है, भद्रक में 128 है, बौद्ध में 160 है, कटक में 111 पोस्ट है, ढेंकानाल में 135 पोस्ट है, देवगढ़ में 49 पोस्ट है, गजपति में 105 पोस्ट है, जगत सिंहपुर में 10180 पोस्ट है, जाजपुर में 11144 पोस्ट है, कोलाहांडी में 146 पोस्ट है, केंद्रापारा में 93 है, केंदुझर में 168 है, खोर्धा में 78 है, करापुट में 207 है, मलकानगिरी में 50 है, मयूरभंज में 159 है, नवरंगपुर में 90 है, नयागढ़ में 88 है, नुआपड़ा में 59 है, पुरी में 318 है, रायगढ़ में 150 है, राउरकेला में 193 है, संबलपुर में 151 पोस्ट है, सुबर्णपुर में 58 है, सुंदरगढ़ में 104 पोस्ट है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP कटक में 71 है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस GRP राउरकेला में 45 है, पुलिस कम्युनिकेशन कटक भुवनेश्वर में 491 पोस्ट है। टोटल 4790 पोस्ट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल पे आपका 21700 से स्टार्ट होकर 69100 तक स्केल पे आपका होने वाला है, मतलब ये रेगुलर पोस्ट है, ठीक है ना दोस्तों। रेगुलर पोस्ट एज आप देख सकते हैं यहाँ पे 18 ईयर्स से स्टार्ट होकर 23 तक है, और एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव पास प्लस टू एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देना पड़ेगा, 10th सर्टिफिकेट, प्लस टू सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन है तो वो भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट SSC एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, NCC है, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, इनकेस तहसीलदार सर्टिफिकेट है तो दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइविंग में जाना है पुलिस में, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी इशू करना है जो आधार कार्ड है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। फॉर क्लेमिंग ग्रुप डी एंड होम गार्ड भी आप जो है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी आप देख सकते हैं नहीं है इसमें कोई भी, हाउ टू अप्लाई है, ठीक है, इसको ऑनलाइन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ होने के बाद आपको इतना याद रखना पड़ेगा ये एग्ज़ाम बेसिस होने वाला है,
कौन कौन से एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम है, फिजिकल एग्ज़ाम है और ड्राइविंग टेस्ट है, मेडिकल एग्ज़ाम है, ठीक ना। तो चार ठो है। इसमें OMR रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि 100 मार्क्स का है, 120 मिनट में आपका होने वाला है। एक क्वेश्चन 1 मार्क होने वाला है और नेगेटिव मार्क भी है, 0.25 मार्क का नेगेटिव मार्क भी यहाँ पे है, ठीक है ना। मेजरमेंट फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है, लॉन्ग जंप होने वाला है, हाई जंप वो मैं दिखाता हूँ। उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट है जो दे सकते हो वो दे दीजिएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर ऑल कैटेगरी, यहाँ पे जनरल के लिए 168 है, वुमेन जनरल के लिए 158 है, SC ST मेल के लिए 163 है और SC ST वुमेन के लिए 153 सेंटीमीटर है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप देख सकते हैं, मेन 1.6 किलोमीटर जो कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको देना पड़ेगा, वुमेन रनिंग 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर देना पड़ेगा, मैन ऑल कैटेगरी बॉड जंप 3.66 मीटर आपको देना पड़ेगा, वुमेन ऑल कैटेगरी बोर्ड जंप 2.75 मीटर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। मतलब लॉन्ग जंप है जो कि। मेडिकल एग्जामिनेशन आप देख लीजिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव नॉक नी, बो लेग्स, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेंस, स्क्वाइट इन आइस, पोर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब आपको नहीं, आपका है तो आप कट जाएंगे। मार्क फॉर NCC सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, NCC B सर्टिफिकेट के लिए 1 मार्क मिलेगा, NCC C सर्टिफिकेट के लिए 2 मार्क मिलने वाला है। रिटन एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, NCT कैडेट को 2 मार्क मिलेगा, ड्राइविंग टेस्ट में 5 मार्क्स है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट आप देख सकते हैं, लास्ट डेट 21/1/2023 को ये ख़त्म हो जाएगा, और लेट ना कीजिए, जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, ज़रूर मुझे लाइक करके बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है ना। तो आपके जो जो ग्रुप है ओडिशा के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, उसमें भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।